हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके साथ सूजी से बने बहुत ही टेस्टी पुए की रेसिपी शेयर कर रही हूं। मेरे यहाँ पुए भी बोले जाते हैं, आप इसे सूजी के मालपुए भी बोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सूजी के मालपुए बनाना शुरू करते हैं। मालपुए बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम एक कप पानी डाल देते हैं और जिस कप से हमने पानी डाला है उसी कप से हम हाफ कप शुगर डाल देते हैं। एक चम्मच हम घी डाल देते हैं और अच्छे से सारी चीजों को कर लेते हैं मिक्स। तो ये जो शुगर सिरप है, हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बस तब तक ही हमें इसे पकाना है जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छा बॉयल आ चुका है, शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो जिस कप से हमने पानी लिया था, जिस कप से हमने शुगर लिया था, उसी कप से हम ले लेते हैं एक कप सूजी। तो मैं एक कप सूजी से बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो क्वांटिटी उसी हिसाब से सारी चीज़ों की बढ़ा लीजिएगा। एक कप मैंने सूजी को शुगर सिरप में डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम मिक्स करते हुए पका लेते हैं। डो के फॉर्म में आने तक हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हो ये सूजी है, फटाफट से 2 मिनट में ही गाढ़ी होने लग गई है। धीरे धीरे ये थिक होती चली जाएगी। जैसे जैसे सूजी पकेगी वैसे वैसे ये हमारा जो बैटर है वो अच्छे से थिक होने लग जाएगा और डो के फॉर्म में आ जाएगा। आप देख सकते हो ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है। तो इसमें शुगर पड़ी हुई है इसलिए ये थोड़ा सा भी आपको गीला लग रहा होगा, लेकिन हम इस टाइम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट में रखेंगे। लीड को लगा देते हैं, लीड लगा के हम इसे रेस्ट में छोड़ देते हैं। आधे घंटे के बाद मैं मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे हो चुके हैं इसे रेस्ट करते हुए, हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये बहुत ही परफेक्ट अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल डो की तरीके से लग रहा है। तो इसे हम एक बड़ी सी प्लेट थाली किसी भी चीज़ में निकाल लेते हैं जिसमें आप अच्छे से इसे मिक्स कर पाए। और बस इस डो को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये सूजी है। बस बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं मतलब सॉफ्ट करना है, बस लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और छोटी छोटी सी लोइयां कट कर लेते हैं। जैसे कि हम पूड़ी वगैरह बनाने के लिए छोटा छोटा हिस्सा लेते हैं लोई का, वैसे ही हमें इसे तैयार कर लेना है और हाथों से ही दबा देंगे। बिल्कुल लोई की तरीके से ही हमें इसे बना लेना है राउंड शेप का। और आप देख सकते हो बहुत ही ईजली ये फटाफट से तैयार हो जा रही है। ऐसे ही मैंने 3 से 4 बना लिए हैं और इसी तरीके से हम सारे मतलब बॉल्स को तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा ये जो नाश्ता है वो तैयार हो चुका है। अब हमें इसे फ्राई करना है, तो बस कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। मतलब इसे हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। छोटा सा हिस्सा डाल करके हम ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। आप देख सकते हो हल्के बबल्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें ऑयल को गर्म भी नहीं करना है इसे फ्राई करने के लिए। और बस हल्का जब ऑयल गर्म हो गया है तो एक एक करके हम जितना हमारी कढ़ाई में इजली आ जाए नाश्ता उतना ही हम एक साथ फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो लगभग 6 पीसेस आए हैं कढ़ाई में, मतलब ईजली पलटने में प्रॉब्लम ना हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और बस इसे हम उलट पलट के पका लेते हैं। जब आपको लगे कि लाइट मतलब कलर आ चुका है एक साइड, तो आप इसे पलट दीजिए लगभग 2 से 3 मिनट में। और इसे लगभग सेकने में मतलब फ्राई करने में 5 से 6 मिनट जाएगा। स्लो गैस में हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है और डार्क गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारा ये नाश्ता जो है फ्राई हो चुका है। एक एक करके हम इसे निकाल लेते हैं। इसमें बहुत ही परफेक्ट क्रैक्स आए हैं, इसका मतलब ही होता है कि फ्राई हो चुके हैं, थोड़े से साइज में भी बढ़ चुके हैं, डबल हो चुके हैं। तो बस इन्हें हम निकाल लेते हैं और ये ऑयल भी कम लेते हैं, फटाफट से फ्राई भी हो जाते हैं। स्लो गैस में हमें फ्राई करना है, आराम से हमें इन्हें फ्राई करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो अंदर कच्चे रह जाएंगे।
और वापस से हमने फर्स्ट बैच फ्राई कर लिया है, वापस से हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से। तो सेकंड बैच को भी हम उलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हो। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हो। लंबे टाइम तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारा ये जो नाश्ता है बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुका है। ऊपर से क्रंची है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो एक बार आप भी ट्राई करिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।